नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे आज आप लोगों को रीजनिंग में गणित का नया टॉपिक करडी पढ़ाऊंगा। यह आपके यूपीपी रेलवे एसएससी जीडी एसएससी सीएचएसएल और जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं यहां से एक या दो प्रश्न आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आइए आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम पहले जान लेते हैं करडी का बेसिक कंसेप्ट क्या है। जैसे आपको दिया जाए करडी में 12 का मान बताइए, करडी में 12 का आपका मान पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो 12 को आप तोड़ लीजिए, आसान से देखिए 12 को आप एलसीएम निकाले तो 12 का एलसीएम निकालेंगे तो आप पा जाएंगे, देखिए क्या 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 से कटेगा 1, तो जितना आप एलसीएम पाएंगे यहां आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से इसे रखने के बाद आप क्या करेंगे यह ध्यान दीजिए, आप जो है यहां पे देखेंगे जोड़ा बन रहा है क्या, तो देखिए यहां पे जितना जोड़ा बनेगा उस संख्या को आपको बाहर ले लेना है। देखिए जोड़ा कैसे पकड़ेंगे ध्यान देना, अगर करडी में बाहर कोई संख्या नहीं दी गई है तो इसका मतलब वहां 2 छिपा हुआ, ध्यान दीजिएगा अगर करडी में यहां कोई संख्या नहीं दी गई है तो वहां 2 छिपा होता है। अगर कोई संख्या मान लो 3 या 4 दिया गया है तो आप 3 या 4 का जोड़ा लेंगे, फिलहाल यहां कोई संख्या नहीं है इसलिए यहां पे 2 का ही जोड़ा होगा, तो जितना जोड़ा बनेगा उतनी संख्या आपकी बाहर आती है, 1-2 बाहर आ जाएगा और 1 आपका करडी में 3 बच जाएगा। आइए हम कुछ सवाल और देख लेते हैं 3 या 4 जोड़े के होते, देखिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट है करडी का ध्यान दीजिएगा। जैसे कि करडी में आपने ले लिया क्या 24 ले लिया, लेकिन यहां पे कोई संख्या 9 दे करके 3 संख्या आपको दिया जाए, कह दिया जाए करडी में 3 और 24 का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो 3 को ले लीजिएगा आसानी से और इस 24 को आप तोड़ लीजिए, अगर तोड़ेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो 24 का हम लसा निकाल लेंगे। अब देखेंगे साइड में कितनी संख्या, 3 संख्या है कि नहीं, तो आपको 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो 3 का जोड़ा बन देखिए, तो 3 का जोड़ा देखिए 3 संख्या का जोड़ा बना, जिन संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं उन्हें हम करडी से बाहर निकाल लेते हैं, यहां से करडी से बाहर आ जाएगा 2 और अंदर आप पा जाएंगे करडी में 3, तो ऐसे हम करडी के अंदर संख्याओं को बाहर निकालते हैं। अब देखेंगे कुछ बड़े कंपटीशन जो सवाल पूछा गया उसको ले लेते हैं। देखिए एक सवाल आपका जो एसएससी जीडी पूछा गया क्या, ध्यान दीजिएगा करडी में 5 फिर करडी में 5 और फिर करडी में 5 का मान बताइए, देखिए छोटा प्रश्न है लेकिन कंपटीशन में बहुत पूछा गया, ध्यान दीजिएगा क्या करेगा, करडी के अंदर करडी संख्याओं को डालता चला जाएगा, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे जो अंदर वाला नंबर उसे पकड़ लीजिए, आप अंदर वाला नंबर देखिए क्या पा गए 5 पा गए। अब देखेंगे हम यहाँ पे कितनी करडी है, तो जो करडी आपका दी गई है उसे पहले गिनो, देखो 1, 2, 3, तो जितना करडी है उस करडी को हम जैसे 2 पे घात कर लेते हैं, देखिए करडी कितनी 1, 2, 3, हर सवाल में 2 पे ही घात करिएगा, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो जो आपको तो तोड़ लेना आसानी से, तो आप जो गुणा करने पे पाएंगे हमेशा उसमें 1 को कम कर देना, तो 8 में 1 कम करिए 7 हो जाएगा और जो आपका भाग गुणा आया वो बटे कर लीजिएगा, इस सवाल का यह आंसर हो जाएगा। आइए एक दो सवाल और देखते हैं जो थोड़े इससे बड़े हैं, बहुत बार पूछा है उनको भी देखिए, देखिए कैसे करेंगे। जैसे एक सवाल और हम ले लेते हैं यहां पर, ध्यान दीजिए अच्छे से क्या है, करडी में 2 फिर करडी में 2 फिर करडी में 2 और फिर 2 और फिर 2, ऐसे करके बहुत सी संख्याएं करडी में डाल दी जाएंगी,
पूछेगा फाइंड द वैल्यू, आप इसका मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहला काम क्या करना है, देखिए अंदर कौन सी संख्या है उसको ले लीजिए। तो एक ही लेना है तो दो हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें करड़ी है कितना। देखिए करड़ी कितनी है, एक दो तीन चार पांच। तो जितना करड़ी होगा उसको आपको दो के घात पे सेट करना है। ध्यान दीजिएगा, जितना भी करड़ी पाएंगे उसको आप दो के घात सेट कर लीजिए। तो अगर दो के घात करड़ी को सेट किया, देखिए दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना सोलह, सोलह दूना बत्तीस। तो अधिकांश लोग दस कर देते हैं, लेकिन इसको ऐसे हम गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पांच बेर करड़ी को अगर आप लिखोगे तो आप ऑलरेडी क्या पा जाओगे, बत्तीस पा जाओगे। तो जो संख्या आप पाओगे उसमें हमेशा एक कम कर लेना, क्या कर लेना, एक कम कर लेना। तो बत्तीस में एक कम करिए हो जाएगा इकतीस, और नीचे की जो संख्या आपकी जो गुणा करने पे मिला यही मिलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह ट्रिक आपको आसानी से आ गया। आइए कुछ और ट्रिक देखते हैं जो करडी के सवाल कंपटीशन में बहुत पूछे गए। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, यह भी बहुत पूछा, ध्यान दीजिएगा, है आपको क्या, 11 प्लस कर्डी में आपका है 21 प्लस कर्डी में 16। अब इसका ट्रिक भी सिखाऊंगा, पहले इसका हल देखिए इस प्रकार के सवाल कैसे करें। इसके पहले की जो संख्याएं थी वहां पर क्या था, चिन्ह आपका जो था समान, आपका संख्या अंदर एक ही था, लेकिन यहां संख्या बार बार बदल रहा है, इसका आपका मान पूछा गया। तो ऐसे सवाल में आप पीछे से हल करते हुए आएंगे, एकदम आखिरी से हल करते हुए आपको आना है। देखिए कैसे, जैसे आपका 11 हो गया प्लस कर्णी में की सही है। अब देखो 16 का आपको वर्गमूल पता होगा, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, तो हम 4 ले लेंगे। अब इसके आगे की ओर चलेंगे तो देखिए 11 हो गया है, 21 और 4 अगर जोड़ा जाएगा 21 4 हो जाएगा 25। ठीक, अब फिर आगे हल करेंगे तो देखिए 11 हो गया, 25 से बाहर क्या आएगा 5, 11 5 जोड़ेंगे पाएंगे 16, 16 का वर्ग होता है 4। तो इस प्रकार से आप यह सवाल कर सकते हैं। क्लियर है, अगर इसको छोटे तरीके में करना चाहते हैं, हल ना करना पड़े 30 सेकेंड में, तो उसका भी ट्रिक है, उसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए मन में सोचिएगा 16 का वर्ग 4, 21 4 25, 25 का वर्ग 5, 5 और 11 16, 16 का वर्ग 4। बिना कलम लगाए भी सवाल को आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको वर्ग याद होगा आसानी से। आइए इस पे हम एक सवाल और देखते हैं जो आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने इस सवाल थोड़ा बड़ा ले लिया, जैसे कि कर्णी में आपका है यहां पर देखिए 136 प्लस कर्णी में आपका 57 प्लस कर्णी में आपका 49। यह भी सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया, ध्यान दीजिए। आपको बताया गया अभी आपको रिवर्स सिस्टम में आखिरी से चलना स्टार्ट करना, एकदम आखिरी कर्णी को पकड़ के धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते इस कर्णी को हम तोड़ देंगे। देखिए कैसे, यहां हो जाएगा 136 प्लस कर्णी में 57, देखो 49 का वर्ग कितना होता है 7। ध्यान दीजिएगा 49 से बाहर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पुनः 136 57 7 जोड़ेंगे तो आप पा जाएंगे 64। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए आपने 64 का वर्ग क्या पढ़ा, ध्यान दीजिए तो 64 का वर्ग होता है 8, पता होगा 136 और 8 को जोड़ा जाएगा तो आपका हो जाएगा 144, और 144 का वर्ग बोलिए तो आपका वर्ग आ जाएगा 12। यह हो गया इस सवाल का आंसर। अगर इसे आप ट्रिक पे करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देखिए 49 का वर्ग होता है 7, पता होगा 7 को 57 में जोड़ दो, फटाफट जोड़िए तो 57 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 64,
64 का आ जाएगा 8, 8 को 136 में जोड़ो, 136 और 8 हो जाएगा 144, और 144 का वर्ग क्या होते हैं 12। तो इस प्रकार के आप कर्णी के सवाल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कर्णी कुछ सवाल और हैं जो कंपटीशन में बहुत बार पूछे गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिए।